अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एसएम यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड उसका चैप्टर 10 है और उसकी एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है कि वाईपी मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब हमने फाइंड करना है तो हमने उसके लिए क्या करना है। अगर जो इक्वेशन हमें दी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इक्वल की दूसरी साइड पर जो चीज़ होती है अगर वहाँ पर सिर्फ एक ए लिखा हो, मतलब सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लिखा हो, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ए एक्स की पावर के, ठीक हो गया। फिर वो आगे उसकी पावर के की जगह 0, 1, 2 इस तरह पुट करके वो तो हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा एग्जांपल में। अगर ए एक्स की पावर एन मतलब कोई वेरिएबल भी दिया जाए तो हम उसे किस तरह लिखेंगे? एक्स की पावर के और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब जो उसकी डिग्री दी जाएगी, यानी कि अगर वो पॉलीनोमियल दिया जाए तो पॉलीनोमियल की जो भी डिग्री होगी उससे स्टार्ट करेंगे जब तक वो जीरो नहीं आ जाएगी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए हमारे पास यहाँ एक्स की पावर 3 दिया जाता तो हम लिखते हैं ए नॉट एक्स की पावर 3 प्लस ए वन एक्स की पावर 2, मतलब एक एक पावर में से कम करते जाएंगे, प्लस ए टू एक्स की पावर 1 प्लस ए थ्री एक्स की पावर 0, मतलब उसमें से एक्स खत्म हो जाता है, ए थ्री पे आके वो स्टॉप हो जाएगा जहाँ एक्स की पावर 0 आ जाए, मतलब एक्स खत्म हो जाए, ठीक होगा। ऐसे हमने करना है और ये तब करना है जब एन जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि वो इस चीज़ के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अगर दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, इस चीज़ को जैसे लिखे सेम वैसे ही हमने ये लिख लिया, उसके साथ हमने क्या करना है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया एज इट इज़ उसे लिख देना है, ठीक हो गया। फिर फोर्थ में हमारे पास अगर दे दिया जाए सी एक्स की पावर एन कॉस ए एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए और साथ में कोई यानी कि एक्स वेरिएबल जो है वो उसकी पावर भी कुछ दी जाए, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे एक्स की पावर एम सॉरी एक्स की पावर के, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, और साथ में हमने ए एक्स और ये जो ए एक्स लिए हैं ये कैसे लिए, जो इसके एंगल जो है वो एंगल सेम ही रहेगा, साथ में ए प्लस और साथ में बी आ जाएगा, साइन और कॉस को हमने इसी तरह से लिखना है, ठीक हो गया। अगर इन्हीं के साथ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दे दिया जाए, मतलब ई की पावर आर एक्स भी दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? सेम उसी तरह जैसे ई की पावर आर एक्स इसमें हमने लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, सेम उसी तरह इसमें करेंगे ई की पावर आर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और इस एक्स की पावर एन की वजह से क्या किया है हमने, सिर्फ अगर हम इसे छोड़ के इसे देखें, इतने को देखें, एक्स की पावर एन ई की पावर आर एक्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखा है, यही चीज़ हमने इधर ये लिख दी है, ठीक हो गया। साथ हमने कॉज ए एक्स लिख दिया प्लस वही चीज़ हमने फिर लिख के साथ में साइन ए एक्स लिख दी है, यहाँ साइन कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स दिया गया था, ठीक हो गया। आगे मैं आप लोग को इसकी एक एग्जांपल करवाती हूँ, यानी जितनी भी इसकी एग्जांपल्स हैं वो एक्सरसाइज से पहले वो करवाती हूँ, तो आप लोग को इसको अच्छे से पता चल जाएगा इसे हमने कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन में, ठीक हो गया। हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में 12 हमारे पास पेज नंबर 452 पे एग्जांपल 12 है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे वाई सी के लिए, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास एक से डी की फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्केयर डबल डेरिवेटिव डी स्केयर लिखेंगे माइनस 3 सिंगल डेरिवेटिव है तो डी लिखेंगे प्लस 2, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं तो साथ में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास डी की जो रूट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 1 और 2, ठीक हो गया। इसके ये 2 रूट्स आ जाएंगे तो y c हमारे पास क्या आएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ठीक हो गया। अब हमने y p करना है, y p हमने कैसे लिखना है ये देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया गया है, एक पॉलीनोमियल दे दिया गया जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 3 डिग्री है पॉलीनोमियल की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a एक्स की पावर 3 प्लस बी या ए नॉट भी लिख सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी, लेकिन ए वन ए नॉट इस तरह करके लिखेंगे तो थोड़ा सा सारे एक जैसे होंगे, गलती भी हो सकती है, इसलिए हम ए बी सी करके लिख लेंगे, बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 1 प्लस डी एक्स की पावर 0, 0 पे आ गया तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने ये करना है, ये आ गया हमारे पास और साथ में हम क्या लिखते होते हैं, एक्स की पावर के, ठीक हो गया। एक्स की पावर के वो स्टार्ट में लिख दिया मैंने, लास्ट में लिख दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर के लिखा है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 1 प्लस डी एक्स की पावर 0 हो गई, ठीक हो गया। हम लेंगे के इक्वल 0, के इक्वल 0 कर देंगे तो एक्स की पावर 0 1 हो जाए तो ये खत्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, मतलब वाई पी हमारे पास आ जाएगा ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसके डेरिवेटिव्स लेने, कितने डेरिवेटिव लेने, इसमें से
सेकंड डेरिवेटिव तो तक है, तो हम इसके सेकंड डेरिवेटिव तो करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगी टर्म। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम इसका तो हमारे पास 3 2 6ax प्लस 3b और ये कॉन्स्टेंट नाम खत्म हो जाएगी। हमारे पास वाई फर्स्ट डेरिवेटिव, वाई सेकंड डेरिवेटिव, ये तीनों चीज़ें हम इधर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव की जगह, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह और वाई की जगह, इसे इक्वेशन वन कहते हैं। ठीक हो गया, पुट इन इक्वेशन वन। सेकंड डेरिवेटिव था तो हम लिख देंगे 6ax प्लस 3b माइनस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, और माइनस को से साइन भी चेंज करें, 3 3 9ax² माइनस 3 2 6bx माइनस 3c। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस 2y, मतलब y को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये y है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, प्लस ax³ इधर नीचे बाकी लिख रही हूँ, प्लस bx² 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, 2 लिख दिया साथ में, 2bx² प्लस 2cx प्लस 2d इक्वल, इतना लिख लिया इक्वल। अब यही चीज़ लिख देंगे हम, 2x³ माइनस 9x² प्लस 6x। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, सबसे बड़ी पावर 3 है, यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड x की पावर 0, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स। ठीक, x की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2a और इक्वल 2। ठीक हो गया, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। अब हम करते हैं x² वाला, यहाँ x² वाला माइनस 9a और हमारे पास आ रहा है प्लस 2b इक्वल माइनस 9। a की वहाँ वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 पुट हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 2b इक्वल माइनस 9, माइनस 9 तो जाके प्लस 9 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, 0। ठीक हो गया, अब इधर नीचे कर लेते हैं हम। अब क्या करना है, एक्स वैल्यू का क्वेश्चन, 6a माइनस 6b टू सी इक्वल 6। ए की वैल्यू 1 थी तो 6 इंटू 1, बी की वैल्यू 0 थी, माइनस 6 इंटू 0 प्लस 2c इक्वल 6, ये तो 0 हो गया, प्लस का 6 उतर जाके माइनस का 6 हो गया, तो c इक्वल भी क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक हो गया, अब हमने करना है x की पावर 0, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स, 3b जिसके साथ x नहीं होगा, माइनस 3c प्लस 2d इक्वल, इस तरह कोई भी नहीं है, 0 आ गया। 3b की वैल्यू 0 थी, माइनस 3c की वैल्यू 0 थी, प्लस 2d इक्वल 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 2d इक्वल 0 करेंगे तो d भी इक्वल 0 आ गया, मतलब हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे yp में, ठीक हो गया, yp ये है, हम इसमें पुट करेंगे, a की जगह आ जाएगा 1, b भी 0, c भी 0, d भी 0, तो हमारे पास yp इक्वल आ जाएगा 1x³, मतलब yp इक्वल आ गया x³, सॉरी क्यूब, yp x³ इक्वल आ गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आएगा, मतलब y आएगा, वो क्या होता है, yc प्लस yp, तो yc हमारे पास क्या आया था, c1e की पावर x प्लस c2e की पावर 2x, c1e की पावर x प्लस c2e की पावर 2x प्लस yp हमारे पास आया x³, ये हमारे पास आंसर आ गया, y आ गया, c1e की पावर x प्लस c2e की पावर 2x प्लस x³, ये हमारी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारे पेज नंबर 453 पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन वन इसे कह दें, दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन b, तो वो हमारे पास आएगी d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल 0, सेम वही वाली आ रही जो एग्जाम्पल 12 में आएगी, तो जाहिर सी बात इसका फिर yc हमारे पास क्या आ जाएगा, c1e की पावर x
प्लस सी टू ए की पावर 2x, ठीक हो गया। अब वाई भी हमने इसे कैसे लिखना है, हमें एक्सपोनेंशियल को छोड़ें तो बाकी हमारे पास ये दिया हुआ है e की पावर x, मतलब जो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 हमें दे दी गई है। तो हम y जो है वो yp कैसा लिखेंगे, a x की पावर 2 थी ना इसमें सबसे बड़ी पावर, x की पावर 2 प्लस b x की पावर 1 प्लस c x की पावर 0, 0 तक आ गया, इसे बंद किया और साथ में हमने लिख दिया x की पावर k, ठीक हो गया। ये लिख दिया और ये हमने सिर्फ एक्स केयर को लिखा इतना। अब एक्स की ई की पावर एक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई और, तो यहाँ पे हम वैसे लिख देंगे ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पुट करना है के की जगह 1, ये हमने k जो है 1 लिखा है। लास्ट वाली पिछली वाली एग्जांपल में k हमने 0 लिया, तो यहाँ पे हमने k हमने 1 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ k की जगह 0 पुट करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x रह जाएगी सिर्फ, और e की पावर x वाला जो है वो तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास y c में मौजूद है, तो हम वो टर्म नहीं ले सकते, इसलिए हम k इक्वल 1 से करेंगे ताकि साथ में x भी मौजूद हो, ठीक हो गया। k इक्वल 1 करेंगे तो ये हमारे पास y p जो है वो बन जाएगा a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये पावर 0 तो 1 बन जाता, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये आ गया, अब इसके साथ में हम क्या लिखेंगे, e की पावर x, ठीक हो गया। e की पावर हमने x लिख ली और x की पावर 1 हो गई थी, तो हमने यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज कर दी, 2 बन गई, साथ में ये x आ गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसकी पावर डेरिवेटिव 2 है तो हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेने हैं, पहला डेरिवेटिव लेंगे वाई पी का तो हमारे पास आ जाएगा 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी ई एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये अंदर वाला एसिटीज आएगा, मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव 3 2 6 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी, ये कांस्टेंट टर्म है, ई की पावर एक्स, प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है इस पर, अब ये एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव भी यही होता, तो मतलब ये टर्म जो है ऐसे आ जाएगी, प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी इंटू, ये इधर मैं लिख रही हूँ ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, ये सेम यही वाली टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था, तो इसका डेरिवेटिव भी हम ये लिख देंगे, प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी e की पावर x प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ई एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया, ये तीनों जो हैं डेरिवेटिव्स हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखें, e की पावर x जो है हमारे पास yp में भी मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी हर एक के साथ मौजूद है, सेकंड डेरिवेटिव में भी हर किसी के साथ e की पावर x मौजूद है, तो हम इसे डायरेक्ट e की पावर x जो है वो डायरेक्ट ही इसमें से कॉमन लेके लिखेंगे, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव e की पावर x नहीं लिखूंगी मैं, वो लास्ट में सब ब्रैकेट लगा के सबका कॉमन लिख दूंगी, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये मैं सेकंड डेरिवेटिव लिख रही हूँ, इसमें e की पावर x जो है वो मैं नहीं लिख रही, सेकेंड डेरिवेटिव ये है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब माइनस के उनके साइन चेंज कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने करना है, 3 3 सर हो जाएगा 9 माइनस 9 ए माइनस 3 2 6 बी एक्स, और इसके साथ एक्स स्क्वायर भी था, प्लस माइनस 3 सी माइनस 3 ए एक्स क्यूब माइनस 3 बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 सी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद वाई को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ई एक्स नहीं अभी सबका लिख रहे, प्लस 2 ए एक्स क्यूब प्लस 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एक्स,
ठीक हो गया। अब सारे की इर्द-गिर्द ब्रेक लगाई, ई एक्स अपने साथ था तो हमने अब लिख दिया इक्वल, ये चीज़ एक्स के रिकी पावर ई एक्स, ठीक हो गया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, ठीक हो गया। सबसे बड़ी पावर थ्री है, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स जीरो, ठीक हो गया। इस साइड पे भी सबके साथ e की पावर x है, इस साइड पे भी e की पावर x है। e की पावर x को हम नहीं लेंगे, बाकी सारे को कंपेयर कर लेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उनके साथ e की पावर x हम खुद ही लिख लेंगे, ठीक हो गया। x क्यूब हमारे पास है a और x क्यूब हमारे पास है माइनस थ्री बी, नहीं ये सॉरी स्क्वायर है माइनस थ्री ए और प्लस टू ए इक्वल, इस तरफ एक्स क्यूब कोई भी नहीं है। टू और वन थ्री इसमें किया तो जीरो इक्वल जीरो आ गया, ये तो हमारे पास टू और वन थ्री, थ्री में से थ्री माइनस किया तो जीरो इक्वल जीरो आ गया, ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाले को हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर सिक्स है प्लस थ्री बी थ्री है प्लस थ्री ए प्लस ए सॉरी ये तो क्यूब वाला है ये नहीं लिखना, प्लस बी माइनस नाइन ए माइनस थ्री बी प्लस टू बी इक्वल, यहाँ पे एक्स के वाले का ऑप्शन वन है, ये हमारे पास ए सिक्स है, इसे इकट्ठा हम कर लेते हैं, सिक्स ए सिक्स प्लस थ्री ए प्लस थ्री प्लस थ्री और ए हमारे पास है माइनस नाइन, सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन इक्वल, ये हमारे पास आ गया थ्री ए। और हम बी वाला देखेंगे, ये हमारे पास बी वन है, टू और वन थ्री ए बी और ये थ्री में से माइनस हुआ तो जीरो बन गया, तो थ्री ए इक्वल वन, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन ओवर थ्री, ठीक हो गया। ये आपस में कटिंग हो जाते हैं क्योंकि टू और वन थ्री भी बन गया है, थ्री में थ्री भी माइनस के तो जीरो बन, इसलिए थ्री ए इक्वल वन, तो मतलब ए इक्वल वन ओवर थ्री आ गया। अब एक्स वाले कोफिशेंट्स जो है उन्हें कंपेयर करते हैं, एक्स वाला यहाँ हमारे पास है टू ए टू बी, हमने यहाँ लिख दिया टू बी और प्लस फिर टू बी, फिर हमारे पास आ रहा है c और फिर उसके बाद आ रहा है माइनस सिक्स बी प्लस सी माइनस सिक्स बी और हमारे पास आ रहा है x वाला माइनस थ्री सी और x वाला हमारे पास आ रहा है प्लस टू सी प्लस टू सी इक्वल, इस तरफ कोई भी नहीं है, b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, a की वैल्यू हमारे पास है, ये टू और b पहले देख लेते हैं, वैसे टू और टू फोर, सिक्स में से फोर माइनस के माइनस टू बी और c हमारे पास था टू और वन थ्री सी, थ्री में से थ्री माइनस के जीरो, तो बी हमारे पास क्या आ गया जीरो, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर वाले भी हो गए, अब हमने लेना एक्स की पावर वन वाले कोफिशियंट, एक्स की सॉरी एक्स क्यूब वाला होता है एक्स स्क्वायर और एक्स वन, अब कांस्टेंट टर्म्स हमने लेनी है, कांस्टेंट टर्म टू बी हमारे पास है टू बी और सी फिर सी सी प्लस सी टू सी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जिसके साथ एक्स वगैरह ना हो माइनस थ्री सी माइनस थ्री सी आ रहा है इक्वल ज़ीरो, टू बी की वैल्यू ज़ीरो थी, ये किया तो हमारे पास माइनस सी इक्वल ज़ीरो, तो सी भी हमारे पास किसकी इक्वल आ गया ज़ीरो के, हमारे पास यहाँ पे ए बी और सी ही थी, तीनों की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू वन ओवर थ्री, बी की भी ज़ीरो, सी की भी ज़ीरो, पुट इन वाई पी, वाई पी में पुट करेंगे, बी की जगह भी ज़ीरो, सी की जगह बस ए की जगह वन ओवर थ्री आ जाएगा, यहाँ वन ओवर थ्री आ जाएगा, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा हमारे पास वन ओवर थ्री एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, वाई पी आ गया हमारे पास वन ओवर थ्री एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, देखिए यहाँ लिखा वन ओवर थ्री एक्स, सो ये है वन ओवर थ्री एक्स क्यूब ई की पावर एक्स हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। वाई पी अब लिखेंगे वाई सी प्लस वाई पी, जो भी हमने लिखा है इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई आएगा, वाई इक्वल आता है वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी हमारे पास क्या था सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस वाई पी हमने फाइंड किया वन ओवर थ्री एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ये हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे से छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव लिया था इसका थ्री टू ज़ा सिक्स ई एक्स आना था, मैंने यहाँ पे गलती से स्क्वायर लिख लिया था
यहाँ पे ये स्केयर नहीं है, ठीक हो गया। तो स्केयर वाली में ये 6a नहीं आएगा, ठीक हो गया। स्केयर वाले में से 6a ख़त्म हो गया। अब 3 और 3 6a, 6 में से 9 माइनस किया माइनस 3a, तो माइनस 3a यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 1 और 3 आ गया, ठीक हो गया। जो 6a है ये x वाले में आएगा यहाँ पे, प्लस 6a, ठीक हो गया। 6a, a की वैल्यू वन माइनस 1 और 3 थी, 6 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2b इक्वल 0, 3 टू ज़ा 6, माइनस 2 से जाके प्लस 2 हो गया, तो हमारे पास b जो था माइनस 2b इक्वल आ गया माइनस प्लस 2 और b इक्वल आ गया माइनस 1, ठीक हो गया। a की जगह माइनस 1 ओवर 3, यहाँ पे माइनस 1 ओवर 3 आएगा एक्स क्यूब ई एक्स, बी की जगह माइनस 1, तो यहाँ आएगा माइनस एक्स 1, यहाँ पे सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स आ गई। और अब हमने वैल्यू पुट करनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सी ज़ीरो ही था इसलिए वो पुट नहीं हुआ, ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास वाई आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 454 पे एग्जाम्पल 14 है, इसका हम वाई सी डायरेक्ट लिख देते हैं। जो आएगा वो आना है हमारे पास वाई सी इक्वल आना है सी वन साइन टू एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स, ये आना है, ठीक हो गया। हमारा मेन मकसद वाई पी फाइंड करना है, वाई सी जो तो सिंपली हम फैक्टराइज करके फाइंड कर लेते होते हैं, ठीक हो गया। अब हमने इसका वाई पी वो किस तरह बनेगा ये देखिए, इन इक्वेशन को टू टर्म्स में लिखा जा सकता है, y डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल एक्स ई की पावर x, इसे कहते हैं इक्वेशन a, ठीक हो गया। अब इक्वेशन b में इसे साथ लेंगे, y डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल x साइन 2x, इसे हम कह देंगे b। इसे हमने लैदा लैदा क्योंकि ये एक लैदा तरह की चीज़ है और एक ही लैदा तरह की है, इसमें साइन में जो इसे अलग मेथड सोल्व करना है, इसमें x ई की पावर x, इसे हमने एक अलग मेथड सोल्व करना है। अब वाई पी हम करेंगे इक्वेशन ए के लिए लेंगे, वाई पी हमारे पास किस तरह से बनेगा, ये हमें दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में पॉलिनोमियल है, डिग्री वन है, हम लिखेंगे ए एक्स की पावर वन प्लस बी एक्स की पावर ज़ीरो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में लिखा एक्स की पावर के, ये इतना हो गया एक्स को हमने लिखा, अब ई एक्स जो है वो साथ में वैसे ही आ जाता है, ठीक है। हम पुट करेंगे के इक्वल ज़ीरो, क्योंकि k इक्वल जीरो को पुट करेंगे ये वन हो जाएगी की पावर x रह जाएगी, और e की पावर x वाला इसमें कोई भी नहीं है, अगर होता तो फिर हम k इक्वल वन करते, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास y p आ जाएगा a x प्लस बी ई एक्स, ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव तक तक हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a e की पावर x, और सेकंड डेरिवेटिव ये कॉन्स्टेंट ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये आ गया प्लस प्रोडक्ट रूल लगना है, ए एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स आ गया, ठीक हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, इसका आएगा ए ई की पावर एक्स प्लस इसका हम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए ई की पावर एक्स प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है ए एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स आ गया, ठीक हो गया। ये दोनों जो है हम पुट कर लेंगे इक्वेशन ए में, पुट इन इक्वेशन ए, सेकेंड डेरिवेटिव है तो ये लिखेंगे 2a e की पावर x हो जाएगा प्लस a x e की पावर x प्लस b e की पावर x, ठीक हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उसके बाद क्या है 4y, मतलब y को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये yp को इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4a x e की पावर x प्लस 4b e की पावर x इक्वल x e की पावर x, ठीक हो गया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, इसमें x के अलावा कोई भी नहीं है तो x से कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशेंट ऑफ x एंड x की पावर 0, x का कोफिशेंट यहाँ पे ये है a e की पावर x, वो e की पावर लिखने की जरूरत दोनों में मौजूद है a और x ये है 4a इक्वल
वन, ठीक हो गया। तो हमारे पास फाइव ए इक्वल वन, तो ए आ गया वन ओवर फाइव, ठीक हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म्स को करेंगे जिसके साथ एक्स नहीं है, टू ए बी फोर बी, और इधर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, जीरो। टू ए की वैल्यू वन ओवर फाइव, ये बन जाएगा प्लस फोर ओवर फाइव बी इक्वल ज़ीरो। फाइव बी इक्वल उधर जाके माइनस टू ओवर फाइव हो जाएगा, ये इधर जाके फाइव डिवाइड होगा, हमारे पास बी इक्वल आ जाएगा माइनस टू ओवर ट्वेंटी फाइव, ठीक हो गया। ए और बी दो की वैल्यू चाहिए थी, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन वाई पी में, इक्वेशन वन कह देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन। तो वाई पी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल ए एक्स प्लस बी था, ए की जगह आ जाएगा वन ओवर फाइव एक्स प्लस माइनस बी की जगह टू ओवर ट्वेंटी फाइव ई की पावर एक्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन बी को, ठीक हो गया। इधर लिख लेते हैं बी इम्प्लाइज दैट वाई पी इक्वल बी के अकॉर्डिंग जो बनेगी, इसमें साइन मौजूद है ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वाई पी हमने लिखना है, इसमें वह हमारे पास साइन भी मौजूद है और साथ में ये x भी मौजूद है, पहले हम x के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। हमारे पास आएगा a भी यूज़ हो गया, c से लेंगे c x प्लस डी, x के अकॉर्डिंग हमारे पास x की पावर k ये आता है, ठीक हो गया। साथ में हम अब लिखेंगे साइन 2x, ये वाला जो साइन 2x 2x ये हो तो इसे लिख लिया, ठीक हो गया। प्लस इधर भी प्लस लगा देती हूँ मैं, ए बी सी पहले हो गया सी डी, अब लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ एक्स की पावर के कॉस टू एक्स। हमने साइन और कॉस जो है वो दोनों ही लिख रहे होते, सिर्फ एक को नहीं लिखना होता, ठीक हो गया। अगर हम लेते हैं पुट के इक्वल, अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, साइन एक्स साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी एक्स की पावर जीरो लिखेंगे वन हो जाएगा, साइन टू एक्स और कोस टू एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, और वो चीज़ तो हमारे पास वाई से पहले से मौजूद थी, तो हम के क्या लेंगे इक्वल वन, तो हमारे पास वाई पी इक्वल आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा ना, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स साइन टू एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। इसका डेरीवेटिव लेना है, वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टू सी एक्स प्लस डी साइन एक्स साइन टू एक्स प्लस, अब इसका लेना है हमारे पास आ जाएगा टू इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, इधर मैं लिख रही हूँ कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। प्लस अब इसका लेंगे ई टू ई एक्स प्लस, इसके साथ ये एक्स था, प्लस एफ कॉस टू एक्स, प्लस अब ये प्रोडक्ट लग रहा है ना, अब इसका लेंगे माइनस टू साइन टू एक्स, और साथ में आ जाएगा यही ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, इस चीज़ का हम लेंगे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आ जाएगा टू सी, ये तो कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएगा, साथ में आ जाएगा साइन टू एक्स, ठीक हो गया। प्लस अब ये एज इट इज आएगा, इसका आएगा टू साइन का आ जाएगा कॉस टू एक्स, और साथ में टू सी एक्स प्लस डी, ठीक हो गया। अब हमने इस टर्म का लेना, ये इतनी है, पहले आ जाएगा माइनस, इसका जब लेंगे टू टू सा फोर साइन टू एक्स, और ये वाली टर्म साथ में वैसे आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, प्लस अब ये वैसे आएगी, इसका लेंगे टू कॉस टू एक्स, वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा टू सी एक्स प्लस डी, ठीक हो गया। अब इस वाली टर्म का लेना है प्लस टू ई कॉस टू एक्स, प्लस अब ये एज इट इज अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस टू साइन का आ गया कॉस कॉस का आ गया साइन टू एक्स, और साथ में ये वैल्यू वैसे टू ई एक्स प्लस एफ, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमने इसका लेना है माइनस टू टू ज़ा फोर साइन का आ जाएगा कॉस टू एक्स, और ये ऐसे ही आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। अब हमने इसका लेना, ये चीज़ वैसे आ रही माइनस टू साइन टू एक्स टू ई एक्स प्लस एफ, ठीक हो गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है बी में, पुट इन सॉरी बी में नहीं,
इसे इक्वेशन टू कहना है, किसे, ये इक्वेशन टू में। तो हमारे पास आएगा सॉरी टू नहीं, यही है मिस्टेक हो रही थी, बी में ही पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो ये सारा आएगा सेकंड डेरिवेटिव में हमारे पास, टू सी साइन टू एक्स प्लस, हम इसे मतलब मल्टीप्लाई करके अगर लिख लें, टू टू ज़ा फोर सी, फोर सी एक्स कॉस टू एक्स, और इसे डी से करेंगे प्लस टू डी कॉस टू एक्स, ये आ जाएगा माइनस फोर सी एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, अब इसे इसे करेंगे माइनस फोर डी एक्स साइन टू एक्स प्लस टू टू ज़ा फोर सी एक्स कॉस टू एक्स, अब इसको इसे करेंगे प्लस टू डी कॉस टू एक्स प्लस, ये दोनों ये वैसी आएगी टू ई कॉस टू एक्स माइनस, इसको इसे करेंगे टू टू ज़ा फोर ई एक्स साइन टू एक्स, अब इसको इसे करेंगे माइनस टू एफ साइन टू एक्स, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ माइनस फोर ई एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स माइनस फोर ई फोर एफ एक्स कॉस टू एक्स माइनस, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू टू ज़ा फोर ई एक्स साइन टू एक्स माइनस टू एफ साइन टू एक्स इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, उसके बाद फोर वाई, वाई को फोर से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको फोर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस फोर सी एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, इधर लिख लेती हूँ प्लस फोर सी एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, फोर डी एक्स साइन टू एक्स प्लस फोर ई एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स प्लस फोर एफ एक्स कॉस टू एक्स इक्वल एक्स साइन टू एक्स, ठीक हो गया। कंपेयरिंग करते हैं हम, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ, पहले हम कहते थे एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट को कंपेयरिंग कर लेते थे, लेकिन अब हम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, इसमें करूँगी इसमें साइन और कॉस भी साथ में आ गया, हम पहले कर लेंगे एक्स साइन टू एक्स, फिर एक्स कॉस टू एक्स, फिर हम साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा बाद में जो बचेंगे उनको फिर देखेंगे, पहले हम इनको कंपेयर कर लेते हैं, एक्स साइन टू एक्स वाले करते हैं जिसके साथ एक्स साइन टू एक्स हो, एक्स लेकिन कॉस टू एक्स है, एक्स साइन टू एक्स माइनस फोर डी साइन वाला, एक्स साइन टू एक्स माइनस फोर ई, और इसके साथ एक्स नहीं है, ये साइन वाला इसके साथ एक्स है माइनस फोर ई, साइन के साथ एक्स नहीं है, ये साइन इधर एक्स के रहे, साइन के साथ एक्स है माइनस फोर डी प्लस फोर डी सॉरी इक्वल एक्स साइन टू एक्स वन, ये फोर डी, फोर डी से कैंसिल फोर ई और फोर ई माइनस एट ई इक्वल वन, तो ई इक्वल आ गया माइनस वन ओवर एट, ठीक हो गया। ई की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन ओवर एट। अब एक्स कॉस टू एक्स को करते हैं, कॉस टू एक्स एक्स फोर सी, कॉस वाला ये कॉस वाला एक्स कॉस फोर, तो फोर सी आ गया, और कॉस वाला लेकिन इसके साथ एक्स नहीं है, इस कॉस वाले के साथ भी एक्स नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ है फोर ई, ठीक हो गया। और कॉस वाला है हमारे पास ये, इसके साथ एक्स ये है टू एक्स कॉस टू एक्स के साथ प्लस फोर ई, और इधर कॉस वाला नहीं है, इक्वल ज़ीरो लिख लिया, ठीक हो गया। फोर और फोर एट सी, ये ई था या एफ था, फोर ई फोर एफ था, और इसके बाद दूसरा लास्ट वाला प्लस फोर एफ, दोनों फोर एफ थे, तो ये हो गए कटिंग इक्वल ज़ीरो। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ज़ीरो,
ठीक हो गया। अब साइन टू एक्स, सिर्फ साइन टू एक्स हो, कोस एक्स वगैरह ना हो जिसके साथ, ठीक हो गया। साइन टू एक्स, टू सी साइन, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, साइन इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ नहीं है, टू एफ माइनस टू एफ, और साइन वाला इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ नहीं, माइनस टू एफ, और साइन वाला इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इक्वल ज़ीरो। सी ज़ीरो था, टू इंटू ज़ीरो माइनस फोर एफ इक्वल ज़ीरो, तो एफ क्या आ गया यहाँ से, ज़ीरो, ठीक हो गया। ओके, ये ज़ीरो था इक्वल ज़ीरो का, तो एफ भी हमारे पास ज़ीरो आ गया, ठीक हो गया। अब हम कॉस टू एक्स के कोफिशेंट्स लेते हैं, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स टू डी, और हमारे पास आ रहा है टू डी फोर डी प्लस टू ई, फोर डी प्लस टू ई, फोर डी प्लस टू ई, ठीक हो गया। और कॉस वाला इसके साथ एक्स केयर है, ये भी कॉस वाले के साथ है, और कोई भी नहीं है कॉस वाला, ठीक हो गया, इक्वल ज़ीरो। फोर डी ई की वैल्यू क्या थी, माइनस वन और एट, इक्वल ज़ीरो, टू फोर ज़ार एट, फोर डी इक्वल आ गया वन ओवर फोर, ये तो जाके डिवाइड होगा, तो डी इक्वल क्या आ गया, वन ओवर सिक्सटीन। अब आगे हमारे पास एक्स के साइन एक्स, एक्स केयर साइन एक्स, साइन टू एक्स और एक्स केयर कॉस टू एक्स वाली भी वैल्यूज़ है, लेकिन उसे आगे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सी डी और ई एफ की वैल्यूज से ही तो वैल्यूज़ आ गए, हम इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन टू में, ठीक हो गया। पुट इन इक्वेशन टू, तो वाई पी हमारे पास कैसे आएगा, सी एक्स केयर प्लस डी एक्स था, सी क्या था ज़ीरो और डी क्या था वन ओवर ए सिक्सटीन, हम लिखेंगे वन ओवर सिक्सटीन एक्स साइन टू एक्स, वन ओवर सिक्सटीन एक्स साइन टू एक्स, ठीक हो गया। अब ई और एफ, ई की वैल्यू माइनस वन और एट है, एफ की ज़ीरो है, तो माइनस वन ओवर एट एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स, माइनस वन ओवर एट एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स, ये आ गया वाई पी। अब हम करेंगे वाई इक्वल वाई सी प्लस वाई पी करेंगे, एक वाई पी ये तो एक पहले भी आया था, ठीक हो गया। वाई इक्वल वाई सी हमारे पास क्या है, ये दिया हो वाई सी, सी वन साइन टू एक्स प्लस सी टू कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। वाई पी एक हमारे पास आया था ये वाला, ये वाला वाई पी, ये भी हम लिखेंगे प्लस, इधर ही मैं लिख रही हूँ, वन ओवर फाइव एक्स टू ओवर ट्वेंटी फाइव ई की पावर एक्स, और दूसरा वाई पी ये अब हमारे पास आया है, हम लिखेंगे प्लस वन ओवर सिक्सटीन एक्स साइन टू एक्स, माइनस वन ओवर एट एक्स स्क्वायर कॉस टू एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास वाई आ गया, ये एक एग्जांपल भी जो है हमारी सॉल्व हो गई है। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़।